चलो अच्छा हो गया। ठंडा आदमी जो है एक जगह हो जाए, बाकी आदमी नहीं तो दूसरी तरफ ठीक है। चलो ठीक है, हिंदी की तरफ से शारिक भाई हम लोग की तरफ से रहेंगे और आप आपकी तरफ से रहेंगे, बात होगी आ जाइए। उसके बाद जो जो आपको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, बटुआ की कलमा आप भी अपना पढ़ेंगे। उसके बाद ये 15 आदमी है, उधर 15 आदमी। फोटोग्राफी की आपकी तरफ से कौन है, पहले बोला था अब्दुल्ला भाई हैं और इकबाल हैं। ये भी तो है, ये बात हो गई थी, दो आदमी ये आदमी भी है। चले दो करेगा हम लोग की तरफ से कौन है फोटोग्राफी की, हम है और हाँ मंडल गए बस। चलिए तो क्या एकदम हवाला करना है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में और तो ये सब बेसिक सवाल नहीं, बच्चा वाले सवाल नहीं, नहीं बच्चा वाला सवाल नहीं, ठीक है। अभी हमारे तरफ लगा करना है, अभी यार क्या बातचीत क्या करेगा, नहीं कुछ बातचीत नहीं होना चाहिए, बस बद्दुआ होना चाहिए, बद्दुआ बातचीत बातचीत करने वाला कैसे होगा, वायरल में तो बात होता है, थोड़ी आंशिक बातचीत नहीं है, गंगा थोड़ी कर रहे हैं, आप शादी करोगे कि आप नहीं कर रहे हैं, रेडी है ना, आपको रेडी है, तभी इतना दूर से थक के आए, रेडी है ठीक है, सब बनाइए पहले तो उसी तरफ से पता चले, हाँ हाँ सब बनाइए, अच्छा अभी अभी ऐसे करेंगे, नाम नहीं है जिनका, यहाँ तो सभी का नाम, ठीक है यहाँ से कौन है जिसका नाम नहीं है, दो आदमी जो कमेंट कर रहे हैं वो नहीं है, ठीक है और आपका नहीं, थोड़ा सा हट गया, आप आ जाइए इधर फोटोग्राफी कीजिए, आप आ जाओ हम लोग आप नहीं बोले, हाँ नहीं बोले इसी आदमी बात हुई, हम बोलेंगे आप लोग यहाँ पर, हम लोग जितने पंडे लोग हैं उन पे फतवा लगाए तो कुफर का काफिर होने का, आप लोग समझते हैं, आप लोग का फतवा ये है कि हम लोग सब 15 आदमी यहाँ पर काफिर है, जो हम लोग को काफिर नहीं समझेगा वो भी काफिर है, जो हमसे शरीयत का मामला करेगा वो भी काफिर है, या सलाम करेगा वो भी काफिर है, आप लोग इससे सहमत हैं सबको इस बात से, आप इनके अकीदे जानने के बाद जो इनके साथ शरीयत वाला मामला करेगा उनके साथ कुफर का फतवा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जाना है नहीं जानता उसके लिए, चलिए बहस नहीं, अब ये बहस है कंप्लीट, आप लोग सब समझते हैं भाई कि ये जितना 15 में सब काफिर है ना, सब मुनाज़रा नहीं, जिस बात के लिए सब काफिर है ना, खुशी से काफिर है ना, हम लोग सब 15 आदमी इस्लाम से खारिज, काफिर है यहां पर मुनाज़रा लेके आए हो, ये वो कोई नहीं बोलेंगे, डॉक्टर साहब मैं आप सवाल मत करो, सवाल जो वो आप फतवा पे बताना, बनानी है फतवा पे मुबाइला होगा, ठीक है तो भुट्टू मैंने कहा भी था आपको यहाँ बताना पड़ेगा, चाहे 10 सेकंड में हो या 20 सेकंड में हो, कि आप फतवा लगाए क्यों, टाइम में बता देंगे आप, 20 सेकंड जितना, 2 मिनट 5 मिनट जितना लगे आपको बताइएगा, क्यों अल्लाह ताला के यहाँ फैसला कराने के लिए आया गया है, जो मजमून तय पाया है, आवाम जो इंटरनेट में दुनिया देखेगा वीडियो, आवाम को फैसला नहीं है, आवाम के हाथ में जाना चाहिए ना, हर जमात कौन सा आवाम से फैसला करा गया, वो फतवा तो लगा दिए लेकिन कम से कम ये तो बता देते कि फतवा क्यों लगा, और बताते तो तुम्हारी गुमराही वाजे हो जाती, तुम बताओगे क्यों लगाए क्यों, टाइम में बता देंगे आप, अपना बताना जो बताइए, जितना लगे आपको बताइए, अल्लाह ताला के यहाँ फैसला कराने के लिए आया गया है, जो मजमून तय पाया है, आवाम जो इंटरनेट में दुनिया देखेगा वीडियो, आवाम के हाथ आवाम जाना चाहिए, हर जमात कौन आवाम से फैसला करा रहा क्या, आवाम से फैसला करा रहा क्या, फिर आवाम वाला बात है, आवाम से कराएगा, आवाम से तभी तुम्हारा अकीदा तो इसी मालूम हो रहा है, आवाम से फैसला करा, आवाम से फैसला से क्या करा रहा, आप अल्लाह पे छोड़िए, अल्लाह पे देखिए जो बात हुई है, जो तहरीर बात हुई है उसी बात कीजिए, बाकी बात मत फैलाइए, जब अल्लाह के पास आप आए हैं फैसला कराने के लिए तो आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए, जो भुट्टू भाई आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप बोलिए आपसे जो बात हुई है, थोड़ी हटे, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी हटाइए, जो जाएगा ये कह देंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए, आप देखिए डॉक्टर साहब फतवा जो है ये गलत है, आप बोलिए, मैंने एक बात सुनी है, गलत है फतवा, जोर से बोलिए, और ये मुबाइला आप कर रहे हैं खतरनाक चीज है, ठीक है ना, तो अगर ऐसा है मान लीजिए गलती हुआ है, फतवा देने में गलती हुआ है, तो मुबाइला नहीं भी कर सकते हम, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं कोई बहुत बाहर का आदमी नहीं आया है,
चांद पहचान के भी लोग हैं, कई लोग, ठीक है ना। तो अगर गलती है मान लीजिए, फतवा मान लीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, मोबाइल खत्म कर दीजिए। आप अपने मन पर रहिए, अपने मन पर रहिए, आप अपने मन साबित कीजिए दलाल के साथ, अपने मन साबित कीजिए दलाल के साथ। बता दें जवाब, हम लोग पूरी तरह से फतवा के लिए तैयार, माने मोबाइल के लिए तैयार हैं, और फतवा को सही मान के ही यहाँ इतना दूर तकलीफ करके आए। बिल्कुल आप लोग हमारे भाई थे, आप लोग जिस दिन से मुर्तद हो चुके हैं उस दिन पे वापस आ जाएंगे तो हमारे भाई होंगे। मुस्कुराने की बात है आपके लिए, हम और हमारे हम अकीदा जितने भी लोग हैं उनके अकीदे, उनके नियत और उनके मकसद को तो बेहतर जानता है तू बेहतर, और हमारे मुखालिफिन के अकीदे और उनके नियत, उनके मकसद को तू बेहतर जानता है। हम लोगों ने कुरान व सही हदीस के मुताबिक उन लोगों पर कुफर का फतवा लगाया है, उसे हम तमाम लोग सही मानते हैं और हमारे मुखालिफिन उसे हराम फतवा कहते हैं। ऐ अल्लाह, हम लोगों में जो बातिल है उस पर तेरी लानत हो, आमीन। एक बार बता दिए क्यों लगा फतवा, वो लोग बताएंगे। आप चुप रहिए, आपको पढ़िए फतवा, बताइए क्यों भाई लगा, बताइए कारण बताइए ना, बता फतवा क्यों लगा, कारण बता देंगे, आधी हो गया कारण बताइए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اے اللہ سبحانہ تعالی، ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح نیت سے اپنے عقیدے اور منہج کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ صحیح راستے پر آئیں جو آپ نے ہمیں ہدایت دیا ہے اور علماء حق کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے۔ ہمارے مخالفین نے بات کو نہ سمجھتے ہوئے بدگمانی کر کے قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں غلطی کھا گئے اور ہم لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان پر بھی کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا جو ہمیں کافر نہ سمجھیں، ہمیں سلام کریں یا شریعت کا معاملہ کریں۔ ہم لوگوں نے انہیں آگاہ کیا کہ آپ لوگوں کا فتویٰ غلط ہے، رجوع کر لیں۔ ہم لوگوں نے آگاہ کر لیا ان کو کہ آپ کا فتویٰ غلط ہے، رجوع کر لیں، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ غلط ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ ہی فیصلہ کر دیجئے کس کی بات غلط ہے۔ جو غلطی پر ہے اسے پکڑ آئے، کوئی حادثہ جو ہے اس پر لاحق آئے، چاہے ادھر سے جو آگے ہے چاہے ادھر سے جو آگے ہے۔ اور جو دین میں ندیم کو خود سے سیکھ رہا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ ہی دوسرے کے لیے جو ہے راستہ دے رہا ہے دین سیکھنے کا، بلکہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آمین۔ چلیے۔